छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र के कांकेर जिले में कल यानी कि शनिवार को एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान एनआईए की टीम ने बस्तर के कई पत्रकारों और नेताओं के घर पर दबिश देकर छानबीन की थी। इसके बाद एनआईए ने एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नक्सल कनेक्शन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर करारा प्रहार किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के लोग नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद को समाप्त करने नहीं दिया। कई तथ्यों में नक्सल से जुड़े तथ्य सामने आए हैं, जिसके चलते नक्सली कभी कांग्रेस नेताओं की हत्या नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया, नक्सलवाद से समझौता कर अपना हित साधन किया है और लगातार जाँच में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि कभी नक्सली कांग्रेस के नेताओं की हत्या नहीं करते, वो हत्या करते हैं तो बीजेपी के नेताओं का करते हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं नक्सलवादियों के साथ में मिले हुए। बता दें कि इसी महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नारायणपुर में भी छापेमारी कार्रवाई की थी। 2023 में हुई नक्सली घटना की जांच के बाद एनआईए ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। वहीं छापेमारी के दौरान 35 नक्सलियों के नाम भी सामने आए थे। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस के लोग नक्सलियों के साथ मिले हैं या नहीं, हमें कॉमेंट कर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।